गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगी। हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था, अब कौन सा है थर्ड। थर्ड का नाम क्या है, एडिशन अप टू 10, यानी कि 10 नंबर तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, अब उसके एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन यानी कि सम, यानी कि कोई भी नंबर को ऐड करना। तो एग्जांपल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से कोई भी दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिया है, स्वीट्स लिए हुए हैं। क्या है, स्वीट्स है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2, कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 और 3, कितने हैं 3। तो आपके पास दो स्वीट हो और अगर मैं आपको 3 दूँ तो कितने हुए टोटल आपके पास, कितने हुए 1 2 3 4 और 5, कितने हुए 5 हुए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, बलून्स है। तो आपके पास अगर 3 बलून्स है, 1 2 और 3, और मैं आपको 1 और दूँ तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 2 3 और 4, कितने हो जाएंगे 4, यानी कि 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4। फिर यहाँ पे क्या है, बनाना है। तो यहाँ पे कितने बनानास हैं, 5 है, और इसमें 2 और ऐड कर दिए तो कितने हुए। तो हम यहाँ पे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए 7 हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, कौन से पेज नंबर पर, 65 पेज नंबर पर। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2, कितने हैं 2, फिर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं 3। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 2 + 3 कितना होता है, 5। फिर यहाँ पे क्या है, फिश है। तो यहाँ पे कितनी फिश है, 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पे कितनी फिश है, 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। तो टोटल कितनी फिश हुई, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। 2 + 1 क्या होता है, 3, 2 + 1 3। फिर यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट है। तो कितने इंसेक्ट है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पे कितने हैं, 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4। फिर यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल पे क्या है, बॉल्स है। तो कितनी बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितनी बॉल्स है, 1 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। तो टोटल कितनी बॉल्स हुई इन सभी को मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हुई, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 + 2 = 10, 8 + 2 = 10। फिर यहाँ पे फ्लावर्स है, कितने फ्लावर्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। फिर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए, 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है।